जय श्री राम बोल के हम साथ कुछ ऐसा हुआ। ओके सर भाई लोग गुड मॉर्निंग आप सभी। और यहाँ पे बैठने के लिए जो भी आएगा जो थकेगा स्टेप्स चढ़ के ये किरण भाई अपना। और थोड़ा ऊपर आने के बाद हमें फिर से लेनिया देखने के लिए मिलती है। भाई लोग ये देखो यहाँ पे प्रॉपर गेट ये पर्ल अभी देखो। रास्ता हेलो ये ऊपर आते ही हमें स्टार्टिंग में एक मंदिर देखने के लिए मिलता है जो ये चेक करो भाई लोग। और आज का मौसम कुछ ऐसा है और आज था सैटरडे और हमें भी था हॉलीडे तो हम तीनों भाई निकल पड़े एक ट्रैक के लिए। हम जा ही रहे थे कि उधर हमें हमारे बजरंगबली दिखे तो हमने उधर स्टॉप लिया और हम निकल पड़े दर्शन के लिए। और तो हमने दर्शन लिया बजरंगबली का और उधर जय श्री राम बोल के हम आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक से बारिश होने लगी। तो अभी हमें उधर आगे एक गैराज दिखा तो हम उधर गैराज पर जाके रुके और वेट कर रहे थे बारिश कम होने का। और इतने इंतज़ार के बाद हम आगे की ओर जा ही रहे थे तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। अरे बाबा ओके सर भाई लोग गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के इस वाले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग व्लॉग बनाने आए हैं जो कि हम लोग आए ये येवला के आगे मतलब येवला से आगे 20 किलोमीटर है। इसका नाम है अंकाई और टंकाई जो कि ऐतिहासिक किले है। उधर हम लोग जाएंगे और उधर जितना भी लेनी है बहुत सारा कुछ ऐतिहासिक है वो हम लोग सभी एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहे अभी हम लोग जाएंगे। इधर से शायद आधा किलोमीटर होगा आप देख पा रहे होंगे वो इतना बड़ा पहाड़ है वो। सो चलो चलते हैं देखते हैं क्या है क्या नहीं। देखो यहाँ भी ये स्टेप्स है इधर से हमें जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क में लगा दी है। अभी इधर से हम लोग जाएंगे सीधा। अभी मालूम है हमें कितना टाइम लगेगा वो चलो देखते हैं आगे चलते हैं। भाई लोग देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है आप लोग ऊपर हमें जाना है वो अपना डेस्टिनेशन है हमारा भी और आपका भी। तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं लेकिन अभी कितना टाइम लगे वो तो पता नहीं। लेकिन ये देखो आगे बढ़ते हैं मैं हूँ यहाँ पे किरण है जो कि शूट कर रहा है। भाई लोग देखो इस किले की खास बात क्या है यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ही अच्छी स्टेप्स बनाई है। और यहाँ पे बैठने के लिए जो भी आएगा जो थकेगा स्टेप्स चढ़ के उनके लिए बैठने की भी व्यवस्था है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये किरण भाई अपना और ये प्रलय डॉन और ये बैठने के लिए जिसको ज़्यादा मतलब थकान आएगी चल के उन लोग के लिए। सो बहुत अच्छा है देख के बहुत अच्छा लगा। सो आओ कभी आप भी यहाँ पे ये ऐसा कुछ व्यू है ये जो किला है इसके ऊपर हमें चढ़ना है। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा वो तो लेकिन देखते हैं आगे जाके। सो चलो चलते हैं मिलते हैं आगे। सो भाई लोग यहाँ पे दो लेनियाँ है एक यहाँ पे है एक उधर है। इसके आगे ये पानी है लेकिन इसके आगे नहीं वो क्या क्यों है वो पता नहीं लेकिन ये बहुत बम दिख रहे हैं वो देखो। अंदर जाते हैं हम लोग लेकिन इधर लॉक लगा है। और यहाँ भी देख रहे इधर देख सकते हैं हम लोग यहीं पे लाइक गुफा जैसे है देखो। हम भी जाते हैं अंदर
कुछ ऐसे होता है। देखो ये एकदम मैन्युफैक्चरिंग इसकी कितनी अच्छी है और इतना मस्त लग रहा है इसके अंदर, जैसे कि एक हाउस अपना घर का टाइप लगता है। लेकिन देखो इधर कुछ तो होगा पहले, लेकिन डर लगता है थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा ऊपर आने के बाद हमें फिर से लेनिया देखने के लिए मिलती है। नीचे दो थे, यहाँ पे चार बनाई गई है और पूरा पत्थर का बनाया है सब। और जो ये पहाड़ दिख रहा है वो खोद के बनाया गया है। और इस लेनियों पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई है जो कि पत्थर से है, काफ़ी सुंदर दिखती है। आप भी कभी आओ और देखो। दोनों पहाड़ को मतलब दोनों किलों को जोड़ता है। इधर से ये कंकाई और ये कंकाई जो सेपरेशन होता है वहाँ पे गेट है, आप लोग देख सकते होगे। वो देखो बीच में, उधर से ये टंकाई है और ये अंकाई है। तो हमें जाना है अंकाई पे क्योंकि हमारा प्लान था बहुत दिनों से, हमारे क्लासमेट गए थे तो हम भी इधर ये देखने आए कैसा है कैसा नहीं, जो कि एकदम मस्त और बम किला है। अच्छा चलो चलते हैं, देखते हैं। भाई लोग ये देखो यहाँ पे प्रॉपर गेट जो कि दोनों पहाड़ को मतलब दोनों किलो को सेपरेट बनाता है। ये है अंकाई और ये है अपना टंकाई और बीच में ये रहा गेट और ये रहा तुम्हारा भाई क्योंकि अभी उसके अंदर जाने वाला है। सो देखो ये और ये अपने दो मित्र आगे जाते हुए सेल्फी लेते हुए, पहले मुझे भी ले ले यार सेल्फी में। और ये अपना फाइनल गेट, ये पहाड़ और ये एक और ये नीचे पूरा खाई और ये रास्ता जो कि अंदर से थोड़ा ऐसा है, बाकी आगे बहुत मस्त है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लेनी है, ये आप लोग को देख सकते हो आप लोग यहाँ से हम लोग कितने ऊपर आ गए। ये और ये पूरा मनमाड़ और ये अपने भाई और ये गेट और ये अंकाई और ये टंकाई। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग का प्लान चालू है इस पे जाए कि उस पे जाए, चलो देखते हैं आगे जाके। लेकिन हमारा तो प्लान यही था कि अंकाई पे चढ़ेंगे, सो उस पे ही जाएंगे क्योंकि एक दिन में तो उतना कवर नहीं होगा हमसे। सो चलो चलते हैं और देखो गेट। सो भाई लोग ये गेट जो कि इधर भी हम लोग जा सकते हैं उधर भी, लेकिन अभी देखते हैं। ये रहा फैसिलिटी, इधर से रास्ता है, इधर से भी पूरा बंद है। अभी देखो ये इधर पूरा पैक है और इधर गेट है मतलब खुला है। ये देखो इधर भी लग गया, वो पूरी खत्म हो चुकी है लेकिन अभी पत्थर का जो गेट बनाया है वो है। ये देखो चलो हम लोग इंटर करते हैं, आप भी आओ हमारे साथ। चल चल जय श्री राम। फाइनली हम लोग गेट तक आ चुके हैं, अभी हमारा आधा डेस्टिनेशन तो कवर हो चुका है, अभी और हमें आगे जाना है। अभी चलो चलते हैं देखते हैं। लोग देखो ये गेट और इधर से हम लोग आए ऊपर और ये उधर मतलब टंकाई पे जाने का रास्ता जो कि ऐसा है, उधर से स्टेप से उधर से इजीली जा सकते हैं। और ये है टंकाई पे जाने का रास्ता। सो यहाँ का व्यू देखो कितना ऑसम है। और ये अपना किरण भाई इसके बीच में, ये और ये उधर पर लई पत्थर पे चढ़ते हुए, ए गिरेगा भाई। सो देखो भाई लोग ये कितना प्यारा ऑसम है, मेरे को तो बहुत पसंद आया। जो कि हम लोग इधर इजी भी कुछ खेल कूद सकते हैं जो कि अच्छी बात है क्योंकि इतना एरिया है। और ये परले अभी देखो ये यहाँ पे पानी है, गिरेगा तो पूरा पत्थर फूट जाएगा। और ये देखो
यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है, उधर से स्टेप्स है और इधर से ऐसा जो बना है, इसके अंदर से पूरे स्टेप्स है, जो कि बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा किला। तो अभी चलो उसके ऊपर जाते हैं और ये तब तक देखो व्यू यहाँ का, और ये इधर भी कुछ है शायद से, इधर भी स्टेप्स है, हम इधर भी जा सकते हैं लेकिन हम लोग अभी सीधे जाएंगे। चलो, और उधर शायद गुफा है। तो भाई लोग देखो ये यहाँ पे एक गुफा है, इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। देखो लेकिन बहुत बस मार रहा है कुछ तो इसमें, ये देखो इसके अंदर शायद पहले पानी रहता होगा, नहीं तो कुछ तो कोई तो रहता होगा, पूरा महल टाइप है जो कि बहुत ही डरावना है। देखो भाई लोग ये अभी ऊपर देखो घोंसले बनाए हैं पक्षियों ने, ये जो कि वो भी रहते हैं। मेरे को डर लगता है, मैं भागता हूँ इधर से भी। और ये देखो नज़ारा बाहर का कुछ ऐसा है, अरे अपने भाई से। सब भाई लोग बहुत थक चुके हैं अभी हम लोग, अभी हमें थोड़ा ही मतलब ऊपर चढ़ना है, लेकिन अभी तक पूरी हवा टाइट हो गई हमारी, फिर भी जाएंगे लेकिन बहुत थक गए। चलो फिर भी चलते हैं। और ये रास्ता है अभी भयानक, इधर से हम लोग आए अभी, ये अपना भाई चढ़ रहा है, ये चलते हैं। मेरे को तो काफी डर लगता है भाई लोग, लोग तो बनाना है। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसी सीढ़ियाँ है ये, और यहाँ पे पूरा खाई है नीचे, और इधर से स्टेप से फिर ये दूसरा वाला किला, यहाँ व्यू पॉइंट देखो, यहाँ की तुम स्टेप्स देखो कुछ ऐसा सीन है। चलो चढ़ते हैं देखते हैं। काफी डरावनी स्टेप्स तो है भाई, ये देखो ऐसा सीधा चढ़ना पड़ता है और ऊपर है। चलो देखते हैं। और ये तुम्हारा भाई कह रहे चढ़ते हुए, मेरे पास चप्पल है शायद फिसल जाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये रास्ता अभी हम लोग आए नीचे से, तो और ये अभी लोग इधर स्टेप्स और इधर खाई, इधर स्टेप्स और ये रास्ता फलू है।
ऐसे कुछ स्टेप्स है भाई लोग, ये देखो और ऊपर आधे से ज्यादा हमने कवर कर लिया है। ये हम तीनों भाई अभी चढ़ते हुए, हमने सोचा था कि इतना हार्ड नहीं होगा लेकिन बहुत मुश्किल है, मतलब आधे तक कुछ नहीं था लेकिन अब जाके हमें एहसास हो रहा है कि बहुत हार्ड वाला है। ये जगह बहुत प्यारी है और फाइनली हम लोग ऊपर, मतलब एकदम ऊपर तो नहीं गए लेकिन आधे से ज़्यादा मतलब हमने कवर कर लिया है। ये देखो यहाँ का नज़ारा, भाई लोग फाइनली हम लोग आ गए ऊपर। अभी और हमें चढ़ना है जो कि इधर से अभी क्या थोड़ा थोड़ा बोल के कितना है वो भी पता नहीं, लेकिन फाइनली फिलहाल तो हम लोग इधर मतलब कुछ ऐसी प्लेस है जिधर मस्त हवा बवा आती है, इधर तो और हमें आगे जाना है। ये देखो आगे और स्टेप्स है जो कि इस तरह आप लोग को दिख रही होगी ये, और फिर उसके ऊपर है, मैं आप लोग को बताऊँगा। इधर इतने बड़े पहाड़ पे इन्होंने लाइन भी खींची है, मतलब लाइट भी है। ये देखो लाइट की तार देख सकते हो, इसी के आगे खम्भा भी है। सो चलो आगे चलते हैं एंड देखते हैं। भाई लोग ये देखो ऊपर का व्यू यहाँ से, वो दूसरा किला, और हमें जाना है इस तरफ और अपना आखिरी डेस्टिनेशन जो कि वहाँ है। सो चलो, और इतने मेहनत के बाद फाइनली हम लोग ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आते ही हमें स्टार्टिंग में एक मंदिर देखने के लिए मिलता है जो कि कुछ ऐसा बनाया गया है। आप देख सकते हो ये रहा मंदिर का गेट, पूरा पहाड़ खोदकर उसके अंदर मंदिर बनाया गया है जो कि काफ़ी मस्त और एकदम ज़बरदस्त दिखता है। और ये व्यू चेक करो यहाँ का, पूरा एक क्रिकेट का ग्राउंड बन सकता है। बारिश आएगी लेकिन बारिश तो कुछ आई नहीं अभी, तो क्या कर सकते हैं। चलो भाई लोग फाइनली देखो ये है पूरा प्लेन एरिया जो कि किले का है। यहाँ इसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं चलता है कि, अभी चलो अंदर चलते हैं देखते हैं। देखो अभी तो पूरा खाली है, शायद से दरगाह होगी। इधर इसमें शायद पानी रहता होगा के टाइम में, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल, तो ये पूरा खाली है।
ये देखो क्या चीज बनाई है यार, ये साइड से दरगाह है, दरगाह ही है ये भाई लोग, देखो दरगाह है। और ये इधर से बाहर का व्यू देखो, ये देखो यहाँ का कितना बॉम लुक। लगा होगा जो कि हमने वो पूरा अंकाई एक्सप्लोर किया, अभी हम लोग अंकाई पे बैठे हैं, लेकिन उसके चक्कर में मेरा एटीएम उड़ गया उधर से डायरेक्ट ही। मैंने जब सन ग्लासेस निकाला उधर से, उसके साथ एटीएम निकला और वो डायरेक्ट हवा के साथ नीचे खाई में गया, सो हम देखते ही रह गए। बट फिर भी हम लोग हिम्मत से अभी इधर आ चुके हैं, अभी जाएंगे। सो आई होप यू, आप लोग को हमारा ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। सो अभी हम लोग जाएंगे, वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी बाय। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो।